हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल बासीद और आप देख रहे हैं स्मार्टिक स्किल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप नेशनल बैंक की ऐप से किसी के भी जैश के अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका, आपने क्या करना है, नेशनल बैंक की ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपने ऐप में लॉगिन हो जाना है। ऐप में लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फंड ट्रांसफर का, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ना आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे जैश कैश का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सभी पाकिस्तान में जितने बैंक हैं उन सभी का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो हमने जैश कैश में करना है, तो यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पर जो वो जैश कैश का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको ढूंढ लेना है, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं जैश कैश लिखता हूँ, ठीक है। देखें, जैसे मैं जे लिखा नीचे आ भी गया, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जैश कैश मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक, आपने इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ये आ जाएगा। यहाँ पर आपने जिस बंदे को पैसे ट्रांसफर करना है उसका जैश कैश का अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है, मतलब जो मोबाइल नंबर है। और उसके बाद नीचे आपने अमाउंट लिखने जितने आपने पैसे ट्रांसफर करने, तो यहाँ पर मैंने 10 रुपये करने, तो यहाँ पर मैं 10 रुपये लिख देता हूँ। आपने जितने करने हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। पैसे आप कितने ट्रांसफर कर सकते हैं ये आपके अकाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके अकाउंट की लिमिट्स पे डिपेंड करता है। खैर, यहाँ पर मैं अपना जो जैश कैश का अकाउंट नंबर है वो लिख लेता हूँ जिसको मैंने पैसे ट्रांसफर करने हैं। आपने जिसको पैसे ट्रांसफर करना है उसका जैश कैश का अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने जैश कैश का अकाउंट नंबर भी लिख लिया है, बैलेंस भी लिख लिया। उसके बाद आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको बेनिफिशियरी में ऐड करना चाहते हैं या नहीं। बेनिफिशियरी क्या होता है? बेनिफिशियरी ये होता है कि आप नेक्स्ट टाइम अगर इस बंदे को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर इसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेनिफिशियरी में जाकर डायरेक्ट आप पैसे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं उसको, ठीक है। खैर, मुझे इसको नहीं ऐड करना, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ना यहाँ पर आपको डिटेल शो हो जाएगी, ठीक है, जिस बंदे को आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी डिटेल शो हो जाएगी। तो आप डिटेल देख लें, डिटेल देखने के बाद आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने अकाउंट की फोर जो एम पिन है वो लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने अकाउंट की फोर जो एम पिन लिख लेता हूँ। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट की 4-digit एम पिन लिखेंगे तो पैसे जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पर आप जैसे पैसे जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गए हैं और हमारे पास SMS भी आ गया। तो इस तरह आप जो वो नेशनल बैंक की ऐप से किसी के भी जैश के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।